दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। हम आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट मुगल साम्राज्य, मुगल कोर्ट, ठीक है, मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य, मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं आपने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा। तो आज इस चैप्टर में और मजे आने वाले हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है, या फिर नहीं भी कर पाए तो कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इस चैप्टर को देखना, बड़े मजे आएंगे। इस वीडियो में हम 16 से लेकर 17 सेंचुरी तक की बात करेंगे क्योंकि तभी जो है मुगल एम्पायर की स्थापना हुई थी, बाबर आए थे और सारा जो सिस्टम हुआ था उस टाइम पे हुआ था। तो 16 से लेकर 17 सेंचुरी तक की हम बात करेंगे एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक गिवन है। एंड अगर आप हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं, कोई एक पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज फॉर क्लास 11 एंड 12, तो आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन से पैकेज में ज्वाइन होना है। तो डायरेक्टली आते हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स मीन्स हम यहाँ पे मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो शासक थे उनके, एंड क्रॉनिकल्स जिसको हिंदी में इतिवृत्त कहते हैं। अब इतिवृत्त क्या होता है? इतिवृत्त एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलते हैं। अभी जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने क्या करवाया था ना, अपने जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे उनको बोला था कि भाई मेरे बारे में लिखो, ठीक है, तुम लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य के इतने बड़े वो राजा थे, इनकी इतनी अचीवमेंट्स थी, इनकी अच्छाइयाँ थी, उनको लिखने को बोल दिया गया था ताकि दुनिया में लोगों को पता चल सके इनके बारे में, इनके एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो ग्रैंडियर था ना, जो इनकी मतलब हम क्या बोलते हैं राजशाही टाइप का, तो इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चले, इतिहास के पन्नों में इनका नाम आए, इस वजह से ये क्या करते थे, ये क्रॉनिकल्स लिखवाते थे, हिस्टोरियंस अपने बारे में लिखवाते थे। एंड बेसिकली इसमें ना आपको बस मतलब तारीफें ज्यादा मिलेगी, ठीक है, बुराइयां कम मिलेगी क्योंकि उनके दरबार की हिस्टोरियन लिख रहे हैं, वो क्या बुराइयां करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये थे क्रॉनिकल्स एंड ये बहुत बड़ा एक सोर्स है मुगल एम्पायर को जानने में, क्योंकि अगर हमें ये देखने को मिल गया ना, जो क्रॉनिकल्स में क्या देखते हैं कि उनका डेली लाइफ कैसा था, उनके फैमिलीज, ठीक है, उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम था, तो हमें पूरी चीज के बारे में पता चलता है। इसलिए बहुत बड़ा है इस एम्पायर को जानने में। इसलिए हम यहाँ पे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में क्रॉनिकल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, जैसे अकबर नामा हो गया, शाहजहां नामा हो गया, आलमगीर नामा हो गया। ओके, तो अगर हम मुगल साम्राज्य को देखें तो काफी बड़ा साम्राज्य था। अगर अभी भी हम नाम सुनते हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, मुगल। अब ये नाम मुगल जो है मंगोल से आया था, पर ये जो बाबर जो थे, बाबर जो इनके फाउंडर है ऑफ मुगल एम्पायर, ये तिमूर वंशज के थे। ये अपने आप को तिमुराइड्स बुलाते थे। क्यों? क्योंकि जो उज्बेकिस्तान वाला पार्ट था ना और उसके आसपास जो और भी पार्ट्स थे वो क्या थे, वहाँ पे तैमूर लंग का शासन था, तिमूर का शासन था, और बड़े खूंखार शासक थे वो। और आगे जाके उनके वंशज में कौन जन्मे, बाबर जन्मे, ठीक है, उन्होंने भी मतलब जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल रूलर थे हम कह सकते हैं। तो बाबर जो है वो अपने आप को तिमुराइड्स बुलाते थे, तिमूर वंशज के बुलाते थे। और अगर हम लॉजिकली देखें मम्मी के से, ठीक है, अपने मम्मी के साइड से वो चंगेज खान के वंशज के थे, मंगोल के थे, एंड मंगोल से किसका नाम आया, मुगल्स के नहीं आया, ठीक है, मंगोल से मुगल। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि बाबर या फिर मुगल रूलर जो थे वो अपने आप को चंगेज खान के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते थे, या फिर ये उनको पसंद नहीं था कि कोई उनको चंगेज खां के वंशज के बताए, क्योंकि ये जो है चंगेज खां को बोलते थे एक बहुत बारबेरिक रूलर है, उनको पसंद नहीं था बिकॉज वो लोगों पे अत्याचार करते थे, ये करते थे, तो वो उनको बारबेरिक बोलते थे, ठीक है, वो अपने आप को क्या कहलाते थे, तिमुराइड्स। तो मुगल किसने उनका नाम दे दिया, मुगल दिया नाम जब यूरोपियंस आए थे, तो यूरोपियंस ने इनको क्या बोला, दे आर मुगल्स, ठीक है। अब ये जो राजा थे जो तिमुराइड्स कहलाते थे, अपने आप को तिमूर वंशज के थे, इनको उन्होंने क्या कहा, मुगल। अब ये जो मुगल्स है आपने देखा होगा जंगल बुक में कैरेक्टर है मोगली, ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उसमें जो मोगली कैरेक्टर है, मोगली जो नेम है, ये भी इसी से आया है, मुगल, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा ना सुनने में एक राजा टाइप का फीलिंग आता है इसको सुनने में, तो इसलिए मुगल कहाँ से आया,
यूरोपियंस की तरफ से, क्योंकि यूरोपियंस ने उनको मुगल बोला था। अब इनके फाउंडर कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर। अब बाबर इंडिया में कैसे आए? देखो, इनका जो राज था ना उज्बेकिस्तान के, वहां पे था, ठीक है। तिमूर वंश मैंने बताया, तैमूरलंग मैंने आपको बताया, तो वहां पे थे बाबर। तो ये फरगना के थे, जो उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगना, वहां के थे। फिर ये जो आए, काबुल भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया। एंड इंडिया में ये 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, याद है? पानीपत की लड़ाई भी इसी टाइम हुई थी, 1526 में। ओके, तो क्या हुआ था? देखो, तो बाबर काबुल से 1526 में इंडिया आए। दो पर्पस थे इंडिया आने की। फर्स्ट तो इनको लूटपाट करने की थी, क्योंकि सबको पता था यार इंडिया तो मतलब एक बेस्ट प्लेस है, लूटपाट मचाओ, यहाँ पे काफी सारे माल है, उठा के ले जाओ। तो यहाँ पे लूटपाट मचाने आए थे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो दिल्ली सल्तनत था, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत था, लोधी वंशज के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, इनके विरुद्ध को साजिश रची गई थी, ठीक है। इनके जो परिवार वाले थे, इन्होंने साजिश रची थी ताकि ये इनके जो सिंहासन या फिर कुर्सी से हट जाए एंड उनके उत्तराधिकारी या फिर कोई बैठ पाए। तो इन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आओ आप इनको हरा के जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे लूटपाट करके चले जाना ताकि दिल्ली सल्तनत फिर से रूल करे एंड इनको जो भी लूटपाट करना था वो लूटपाट करके ले जाए। तो बाबर आए 1526 में, पानीपत की लड़ाई हुई जहाँ पे इब्राहिम लोधी को किसने हराया? बाबर ने हराया। तो बाबर लूटपाट करके गए तो नहीं, पर यहाँ पे उन्होंने क्या बसा लिया? अपने साम्राज्य बसा लिया। तो बाबर जो है इस मुगल एम्पायर के फाउंडर है। दो रीजन की वजह से आए थे, एक तो हराने के लिए, दूसरा लूटपाट करने के लिए, पर इन्होंने अपनी एक साम्राज्य ही यहाँ पे बसा ली थी। तो बाबर इज द फाउंडर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, हुमायूं आए, ठीक है। अब हुमायूं उनके बेटे थे। अब हुमायूं ने भी एम्पायर वगैरह तो बड़ा एक्सपैंड वगैरह किया था, बट क्या हुआ, इनको जो अफगान के रूलर थे शेर शाह सूरी, उनसे वो हार गए थे। अब हारने के बाद ये कहाँ पे चले गए? रिफ्यूजी लेने, ये जो सफावत किंगडम वगैरह है ईरान के जो रूलर थे उनके पास चले गए। एंड दोबारा ये वापस आए 1555 में। एंड 1555 में दोबारा जब ये वापस आए, इन्होंने दिसूर्स को हराया, ठीक है, जिन्होंने उनको हराया था, इन्होंने दोबारा इनको हरा दिया। पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक साल बाद उनकी मौत हो गई थी। ओके, उसके बाद कौन है? अकबर। अकबर जो है काफी पॉपुलर रूलर हम कह सकते हैं, फेमस है, अकबर का नाम आपने सुना है। अब अकबर जो थे उनके टाइम में काफी अच्छी चीज भी हुई है, जैसे उनके टाइम में सेक्युलरिज्म था, भेदभाव नहीं करते थे, जिजिया टैक्स उन्होंने हटा दिया था। ओके, एंड उस टाइम में उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था एम्पायर का। अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, एक्सपेंड द फ्रंटियर टू द हिंदू कुश माउंटेन से लेके उज्बेक तक, ठीक है, ऑफ तुरान, सफावद ऑफ ईरान, तो वहां तक उन्होंने काफी बड़े एक्सपेंशन किया था। एक्सपैंड कॉन्सोलिडेट हिज एम्पायर, तो इसको जरूर लिख के आना, यहाँ पे ई होगा। तो जब एग्जाम भी आए इनको अच्छे से लिख के आना कि कॉन्सोलिडेट किया था, एक्सपैंड किया था एंड कहाँ कहाँ तक एक्सपैंड किया था। उसके बाद इन्होंने लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट एम्पायर बनाया था अपना, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनको लिखना है, इनको इंक्लूड करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने अकबर का बता दिया, तो इतना ही आपको जानना है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना आपको नहीं पूछेंगे, तो जितना पूछेंगे उतना याद रखो। ओके, उसके बाद है जहांगीर, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं बाहर से, बट क्लास 12th के लिए जितना एनसीईआरटी में है उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है जहांगीर, शाहजहां एंड देन औरंगजेब। अब जो औरंगजेब है ना, इनके बाद इनकी डेथ हो गई थी 1707 तक। एंड इसके बाद जो भी रूलर्स आए ये इतने पावरफुल नहीं थे, इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। तो लास्ट में 1707 के बाद से क्या होने लगा, इस एम्पायर की डिक्लाइन होने लगी। अब बाबर जैसे, अकबर जैसे राजा तब और नहीं आ रहे थे, तो कैसे चलेगा इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य। तो जितना जितना ये आगे बढ़ता गया, ये मुगल एम्पायर आगे बढ़ता गया, ये रूलर्स जो है ज्यादा लेस पावरफुल बनते चले गए, ठीक है। इतने अच्छे रूलर्स नहीं थे उस टाइम में। तो औरंगजेब के बाद, औरंगजेब तक फिर भी सही था, बट उसके बाद जो है धीरे धीरे जो राजा आए उनकी जो है हालत खराब हो गई थी। तो ये इतना मेन रूलर है, 6 इनके मेन रूलर्स हैं, उसके बाद इतने इम्पैक्टफुल राजा नहीं थे, ठीक है। एंड अगर हम देखें 16th-17th century के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, टैक्सेशन सिस्टम अच्छा था एंड
एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ, ठीक है, बट बाद में जाके जो रीजनल जो रूलर्स थे वो जाके बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो हमने देखा लास्ट रूलर जो है बहादुर शाह जफर, इनको ब्रिटिश ने हटा दिया था उनके पद से, मतलब जो राजा थे वो हार गए थे ब्रिटिश से, उसके बाद जो है ये एम्पायर खत्म हो गया। ओके, बट ये जो नाम है ना मुगल, ये अभी भी अगर आप सुनते हो आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट डालेगा कि मुगल, ठीक है, एक राजाओं वाली फीलिंग, ठीक है, एक मतलब ग्रैंडियर वाली फीलिंग आती है। तो भले ये एम्पायर अभी नहीं है, ये एम्पायर खत्म हो गई 1707 के बाद, धीरे धीरे लेस पावरफुल होती गई, फिर खत्म ही हो गई बिल्कुल। तो फिर भी इसकी जो ग्रैंडियर है, जो एक नेम है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी क्रॉनिकल्स, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। अभी तक हमने राजाओं के बारे में देखा, अब हम देखेंगे क्रॉनिकल्स के बारे में, इतिवृत्त के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो क्रॉनिकल्स है एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए उस टाइम में मुगल दरबार के बारे में जानना, या फिर उनके फैमिलीज के बारे में जानना, इन इवेंट्स के बारे में जानना, उनके दरबारियों के बारे में जानने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था क्रॉनिकल्स, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है, जो राजा थे ये अपने विजन को, ठीक है, अपने ग्रैंडियर को, अपनी ग्रेटनेस को बताने के लिए अपने कोर्ट हिस्टोरियंस को बोलते थे कि हमारे बारे में तुम लिखो, ताकि जो भी हमारे अंडर है, ठीक है, एक लाइन लिखी होगी आपके बुक में, दैट कम्स अंडर देयर अम्ब्रेला, मीन्स उनके छत्र छाया में जितने भी लोग हैं उनको उनके विजन के बारे में पता चले, साथ में उन लोगों को भी पता चले जो इनके रूल को नहीं मानते या फिर पसंद नहीं करते इन्हें, ठीक है, नकारते हैं, तो इनको भी पता चले कि उनकी विजन क्या है, उनके ग्रैंडनेस, उनकी अचीवमेंट, उनकी अच्छाइयाँ, वो सब बताने के लिए ये क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे। इसमें आपको उनके फैमिलीज के बारे में, उनके नोबल्स के बारे में, उनके डेली इवेंट्स के बारे में, उनके और भी जो जो अच्छाइयाँ थी उनके बारे में पता चलेगा। तो जैसे कि हमने देख सकते हैं डिफरेंट रूलर्स ने, जैसे अकबर, अकबर नामा जो लिखा गया ये अकबर के लिए लिखा गया, ठीक है, उसके बाद जो है शाहजहां नामा लिखा गया वो शाहजहां के लिए लिखा गया, आलमगीर नामा जो है वो औरंगजेब के लिए लिखा गया, ठीक है। तो डिफरेंट रूलर्स ने अपने ये क्रॉनिकल्स बनाए ताकि वो अपने बारे में पूरी दुनिया को बता सके, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक में ये देखो, फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, ये क्या है, ये है लैंग्वेज। अब इनके दरबार में क्या हुआ था ना कि लैंग्वेज चेंज हुआ था, ये तो हम जानते हैं कि टर्किश थे, टर्किश रूलर्स थे, तिमुराइड्स बोलते थे, ठीक है, इनका जो लैंग्वेज था ओरिजिनली, जो मदर टंग था इनका, वो था टर्किश, ठीक है। तो बाबर जो है टर्किश में बोलते थे, उन्होंने पोइम्स वगैरह भी, पोइट्री वगैरह जो है इन्होंने अपने मदर टंग में लिखा था, दैट इज टर्किश। क्या हुआ, ये टर्किश लैंग्वेज से लोग बाद में पर्शियन में जाने लगे, ठीक है, ये पर्शियन जो है इनका लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन गया था, मीन्स दरबार का ये जो एक लैंग्वेज होता है ना कि दरबार में ये लैंग्वेज बोलना है, तो वो इनके कोर्ट लैंग्वेज बन गए थे, ठीक है। एंड लिटरेरी लैंग्वेज राइटिंग अलॉन्ग विथ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, तो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी भी था उसके साथ साथ ये पर्शियन भी बोला जाता था, एंड इसको और बढ़ावा किसने दिया, अकबर ने दिया था। तो अकबर ने इसको लीडिंग लैंग्वेज बता दिया था, ठीक है, इनका जो अकबर नामा है वो भी पर्शियन में लिखा गया था। एंड ये बेसिकली ऐसा एक लैंग्वेज बन गया था ना कि जिनको इस लैंग्वेज पे कमांड है वो, मतलब उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, या फिर हम कह सकते हैं उनकी एक अलग लेवल हो जाती थी, बिकॉज ये एक ऐसा लैंग्वेज था जो राजा बोलते थे, जो एकदम रॉयल लोग बोलते थे, मीन्स रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है, अमीर लोग, एलाइट्स, जो अमीर आदमी है, ये सब ये लैंग्वेज बोला करते थे। एंड साथ में क्या हुआ ना कि जैसे उनके दरबार में, मतलब पर्शियन लोगों के साथ इंटरेक्शन, ईरान के लोगों के साथ इंटरेक्शन होने लगा, ठीक है, ईरानियंस के साथ, जो मतलब उनके वहाँ पे माइग्रेंट्स बन के आते थे, जो ईरान से आते थे, उनके साथ जब इनका इंटरेक्शन हुआ, कल्चर चेंज हुआ, तो उससे भी और ज़्यादा इस पर्शियन को बढ़ावा मिला। एंड ऐसे ऐसे पर्शियन जो है एक लीडिंग लैंग्वेज बनता जा रहा था, ठीक है, एंड इट बिकम इंडियनाइज्ड। इंडियनाइज्ड कैसे बन गया, बिकॉज वहाँ के जो लोकल है, जैसे राजस्थानी, मराठी, तमिल लैंग्वेजेस, इनके जो ईडियम्स है, वो क्या है, वो एक साथ मिलके ना जो भी पर्शियन था वो भी इंडियनाइज बनता जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, पहले टर्किश था, उसके बाद बाद धीरे धीरे पर्शियन आने लग गया, जैसे ईरानियंस के साथ हमारा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, ये सब हुआ, तो वहां पे पर्शियन बोलने लग गया, लीडिंग लैंग्वेज इसको मतलब माना जाने लगा, बिकॉज
अकबर ने इसको कहा था कि इट्स अ लीडिंग लैंग्वेज, एंड उसके बाद जो रॉयल लोग होते थे, राजा होते थे, ये इस लैंग्वेज को बोलते थे। तो ये बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ने लगी, बट साथ साथ ये इंडियनाइज होता चला गया। एंड ऐसे क्या हुआ ना, एक न्यू लैंग्वेज आया, दैट इज़ उर्दू। ठीक है, जो उर्दू है ये आप अभी देख सकते हैं। तो ये उर्दू क्या है, ये दो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, पर्शियन प्लस हिंदवी। तो पर्शियन प्लस हिंदवी मिलके क्या बना, उर्दू। तो जो मुस्लिम्स हैं वो उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। एंड ये उर्दू जो है ये क्वेश्चन में 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में, या कैसे भी पूछा जा सकता है कि उर्दू जो है कौन कौन से लैंग्वेज से बना है, तो पर्शियन प्लस हिंदवी से बना है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम में काफी लैंग्वेजेस आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखे जाते हैं पन्नों में, मतलब वैसे लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन जो पत्थर वगैरह में लिखे जाते हैं, खुदाई करके लिखे जाते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वहाँ पे बनते थे, एंड सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज किताबखाना। तो एक स्क्रिप्टोरियम था वहाँ पे, स्क्रिप्टोरियम या फिर हम कह ले लेमैन वर्ड में लाइब्रेरी कह ले, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनते थे वो वहाँ पे रखे होते, तो बेसिकली वो एक लाइब्रेरी था उनके लिए, उसको स्क्रिप्टोरियम बोला जाता था, किताबखाना बोला जाता था, जहाँ पे आपको सारे स्क्रिप्ट्स या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाना कोई आसान काम नहीं था, बिकॉज इसमें काफ़ी मेहनत लगती थी। आजकल के टाइम जैसा तो वहाँ पे था नहीं कि मशीन था, लो पेपर बन गया, लो छप गया, लो ड्रॉइंग बन गया, ये तो ऐसा होता नहीं था। तो उस टाइम में बहुत मेहनत का काम होता था, डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे एंड उनको डिफरेंट काम असाइन किए होते थे। जैसे जो पेपर मेकर्स थे वो पन्ने बनाते थे, पेजेस जो जिसमें लिखे जाएंगे वो बनाते थे। उसके बाद स्क्राइबर्स हो गए जो लिखते थे, एंड इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज जितनी अच्छी राइटिंग होगी, कैलीग्राफी इतनी अच्छी होगी, उतना वो ब्यूटीफुल बनेगा वो मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो स्क्राइबर्स या फिर कैलीग्राफर्स की बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड थी। ओके, ग्लाइडर्स जो मतलब पेज को लैमिनेट करते थे, इल्यूमिनेट करते थे, ठीक है। तो आप जब पेज पढ़ते हो, ठीक है, वो लिखा वैसे जाता है, बट उस पेज को प्लेन बनाने में, उसको और मतलब एकदम चका चिप बनाने में ग्लाइडर्स काम करते थे। तो उसके बाद पेंटर्स, अब जो लिखा गया है, ठीक है, उसको ही दर्शाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, ताकि आपको वो सारा लिखा हुआ आपको एक चित्र में पता चल सके, इसलिए पेंटर्स थे। तो पेंटर्स और स्क्राइबर्स भी जो कैलीग्राफर्स थे, इनकी डिमांड बहुत हाई थी, इनकी सोशल हाई रैंकिंग थी, ठीक है। तो उसके बाद है बाइंडर्स, अब जो पन्ने बने हैं जो उसमें लिखा गया उसको सब बाइंड करके एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाने का काम, एक स्क्रिप्ट बनाने का काम किसका होता था, बाइंडर का काम होता था। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग इसमें जुड़े हुए थे। ओके, एंड मैन्युस्क्रिप्ट इज द वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। तो पैसे तो लगते थे क्योंकि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, पैसे तो देने पड़ेंगे, बट जब ये बनता था ये एक प्रतीक होता था ब्यूटी का, ठीक है। कैलीग्राफी इतनी अच्छी, ड्रॉइंग उसके साथ मतलब पेंटिंग उसके साथ, स्क्राइबर जो लैमिनेट करते हैं उनके काम, तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनता था। तो इसे वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी प्लस दी वेल्थ। ओके, एंड अकबर का जो फेवरेट स्टाइल था वो था नास्तलिक। तो नास्तलिक बेसिकली ना हॉरिजॉन्टल होता है, मीन्स ऐसे सुला हुआ, मीन्स ज्यादा ही मतलब कर मतलब हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सुला हुआ, बट लॉन्ग होते थे, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये है नास्तलिक स्टाइल। तो नास्तलिक ये अकबर का फेवरेट स्टाइल था। एंड जो स्क्राइबर्स होते थे उनकी डिमांड इतनी हाई होती थी, बिकॉज जितना अच्छा राइटिंग होगा उतना सुंदर होगा, ठीक है। तो उसमें से एक फेवरेट स्टाइल अकबर का था नास्तलिक। दी पेंटेड इमेज, अगर पेंटेड इमेज की बात करें, जो पेंटर्स होते थे उनकी भी डिमांड काफ़ी बड़ी होती थी, बिकॉज वो भी एक प्रोसेस में थे, मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के प्रोसेस में वो भी अपना जो है मदद करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। एंड क्या होता है ना कि एक पेंटिंग से हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप जितना लिख रहे हो उसको अगर हम पेंटिंग में बदल दें तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो कई बार तो हम जैसे पन्ने पलटते हैं तो हम पहले पिक्चर्स देखते हैं कि बुक में क्या क्या पिक्चर्स डाल रखे, ठीक है, बिकॉज पिक्चर्स में कलर्स होते हैं, वो अट्रैक्टिव होता है, एंड जो उस चीज़ को बनाना जानता हो, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी होगी। तो पेंटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। एंड अबुल फजल ने तो कहा भी था, दैट इज़ पेंटर्स इज द मैजिकल आर्ट, ठीक है, एक मैजिकल आर्ट है जो हर चीज़ को एक ऐसे दृश्य में बदल दे जो कि मतलब इतना अट्रैक्टिव लगे और हमें सब समझ में आ जाए। बट इससे रिलेटेड ना एक टेंशन चल रही थी
रूलर के बीच में एंड जो उलेमास थे, जो उनके ऑर्थोडॉक्सी, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, जो उलेमास जो टीचर्स होते थे उनके. बिकॉज उलेमास का ये मानना था पेंटिंग करना, पेंटिंग मतलब आप क्या करते हो उसमें, मान लो कोई मनुष्य का चित्र बना दिया, किसी इंसान का चित्र बना दिया, या फिर जो आपके आसपास आप देखते हो उसी का आपने फोटो बना दिया. बट ये जो चीज़ है कि एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, वो एक ही का काम है, वो है अल्लाह का काम. ठीक है, तो मतलब अल्लाह ही क्रिएट करते हैं, इंसान को भी क्रिएट करते हैं, नेचर को क्रिएट करते हैं. तो ये मतलब सोल राइट है कि इसके अलावा, मतलब गॉड के अलावा ये कोई नहीं बना सकता. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद या फिर मोहम्मद पैगम्बर ने भी ये बोला था कि एकदम नेचुरलाइज ड्राइंग, मतलब एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना, ठीक है, उस इसका जिसको अल्लाह ने क्रिएट किया है, तो उसका हक इंसान को नहीं है कि वो किसी का वैसा ही बना दे, ठीक है, एकदम रियलिस्टिक बना दे, क्योंकि क्रिएटर, द सोल क्रिएटर वाज गॉड. तो हमें इसकी इजाज़त नहीं है. तो इसको लेके जो है मतलब थोड़ा बहुत ये चलता रहता था कि मतलब रूलर्स के बीच में और ऑर्थोडॉक्सी के बीच में. बाकी जो पेंटेड पेंटर्स हैं उनकी तो डिमांड काफ़ी हाई थी, ठीक है, कोर्ट में बड़ी हाई थी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था. तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आज के वीडियो के लिए इतना ही, हमने इतना पढ़ा तो इतने को अच्छे से पढ़ना. एंड एक सजेशन आप मुझे ये दो कि क्या ये, बिकॉज ये चैप्टर इतना लंबा है, ठीक है, आपको हर एक जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, आपके रिविजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो क्या मैं एक वीडियो में मतलब एक दो टॉपिक से कवर करूँ, मतलब शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, ताकि आपको जो है हमेशा अगर कोई भी एक टॉपिक पढ़ना हो तो आप इजीली उसको पढ़ सके, ठीक है, या फिर एक लॉन्ग वीडियो मीन्स 20-30 मिनट्स का वीडियो जिसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोर्शन कवर हो, कैसा चाहिए आपको आप बता सकते हो, ओनली फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर में हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनटिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.